हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि नवंबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कैसे कर सकते हैं। जो छात्र अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं वो भी 90% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है, वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है, वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर देना है। आइए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यही बताऊँगा कि नवंबर से पढ़कर आप बोर्ड परीक्षा में कैसे 95% स्कोर कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को कुल 9 स्टेप बताने वाला हूँ। अगर आप इन सभी 9 स्टेप को फॉलो कर लेते हो तो बोर्ड परीक्षा में 95% लाने से आप सभी को कोई नहीं रोक सकता है। आइए, सबसे जो पहला स्टेप आप सभी को फॉलो करना है, ये फॉलो करना है कि देखो, जो भी आप सभी का 2023 बोर्ड परीक्षा का डेट बचा हुआ, देखो यहाँ पे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये सारे महीने तो आप सभी के निकल गए, लेकिन बचे हैं कितने महीने, नवंबर से लेकर के मार्च तक, यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कि आप सभी को मैं बोलूं कि 5 मंथ आप सभी कुल टोटल बचा हुआ है। तो इसी 5 और 4 महीने में आप सभी को कंप्लीट तैयारी करनी है और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यही बताया जाएगा कि आप 4 से 5 महीने में किस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे कि आप अपने बोर्ड परीक्षा में 95% स्कोर कर सकते हो। तो वीडियो कंप्लीट शुरू से एंड तक देखना। नवंबर से यहाँ पे पढ़कर आप मार्च तक से कैसे स्कोर करोगे, सब कुछ आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। सबसे पहले आप सभी यहाँ पे देख लो कि बोर्ड परीक्षा 2023 में कॉपी कैसे लिखोगे, क्वेश्चन बैंक से पढ़कर आप सभी कितना नंबर स्कोर कर सकते हैं, ये भी आप सभी को बताया जाएगा। और इम्पोर्टेंट सबसे असली बात, जो कि 2023 बोर्ड पेपर में कैसा प्रश्न पूछा जाएगा, सब कुछ आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा, समझाया जाएगा। आप सभी को यह भी बताया जाएगा कि हैंड राइटिंग की बहुत से बच्चों को समस्या रहती है, अपनी हैंड राइटिंग को किस तरीके से सुधार सकते हो, यह भी आप सभी को इसी वीडियो के माध्यम से समझाया जाएगा। और इस सारे के सारे अगर आप स्टेप फॉलो कर लोगे तो आप बोर्ड के पेपर में 95% स्कोर कर सकते हो। एक बात आप सभी को मैं बता रहा हूँ कि अभी तक आप सभी ने कुछ नहीं पढ़ा है, फिर भी टॉपर आप बन सकते हो। क्यों और कैसे बन सकते हो, ये क्यों और कैसे का जवाब आप सभी को इस वीडियो को एंड में मिल जाएगा या वीडियो को कहीं भी मिल जाएगा। आप सभी बस खाली एकाग्रचित होकर के वीडियो को शुरू से एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले आप सभी को ये स्टेप फॉलो करना है, सबसे जो पहला मैं बता रहा हूँ आप सभी को यही स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले आप अपने आप से खुद दृढ़ संकल्प करना है कि सेट योर गोल, अपने लक्ष्य को टारगेट करो, गोल करो, सेट करो। और सबसे पहले आप सभी को एकांत में जा करके दृढ़ संकल्प लेना होगा कि आप सभी को बोर्ड के पेपर में 60% या 70% या 80% या 90% या 95% या इससे भी अधिक नंबर स्कोर करना है। तो सबसे पहले आप सभी को अपना गोल सेट करना होगा, लक्ष्य को सेट करना होगा कि भैया आप किस मार्क्स के लिए पढ़ाई कर रहे हो। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे 95% के लिए स्कोर करने के लिए अपना गोल को सेट किए हो, उसके हिसाब से आप हार्डवर्क करो। क्या करो, हार्डवर्क। लेकिन देखो, एक गधा भी हार्डवर्क करता है, एक घोड़ा भी हार्डवर्क करता है, लेकिन अगर बात करेंगे गधे और घोड़े की रेस में तो दोनों का काम अलग अलग होता है। तो इसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि हार्डवर्क के साथ साथ आप सभी को स्मार्ट वर्क भी करना कंपलसरी है। हार्डवर्क ही नहीं करना है, आप सभी को थोड़ा थोड़ा स्मार्ट वर्क का भी काम करना है। सबसे पहले देखो, मैं आप सभी को एक बात बता रहा हूँ कि पढ़ने वाला बच्चा ही कामयाब बनता है, पढ़ने वाले व्यक्ति ही कामयाबी बनते हैं। अनपढ़ या अगर जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, वो जीवन में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। मैं चैलेंज के साथ लिख के दे रहा हूँ, जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे उनका यहाँ पे कोई भी मार्क्स नहीं आएगा, गारंटी में दे रहा हूँ। सबसे पहले आप सभी को जो भी स्टूडेंट्स चैप्टर नहीं पढ़ते हैं, मैं उनको हिदायत दे रहा हूँ कि सबसे पहले आप सभी बच्चों को क्या करना है,
बुक से चैप्टर जरूर पढ़ना है। जो भी आप सभी को बुक प्रोवाइड की गई है या जो भी आप सभी ने मार्केट से बुक लिया है, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किया है, सभी बुक का चैप्टर जरूर पढ़ना है। और एक बात और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि बुक में जितने भी चैप्टर दिए गए हैं आप सभी को, जितने भी चैप्टर दिए गए हैं उन सभी चैप्टर के सबसे पहले तो आप सभी को इम्पोर्टेंट नोट्स बना लेना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज बना लेना है, एक इसका भी नोट्स बना लेना है। जितने भी टाइप्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका एक अलग से नोट्स बना लो। उसके बाद आप सभी को करना क्या है, जितने भी टाइप्स के प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं सभी को आप सभी को तैयार करना है, लगाना है, ठीक ना। प्रैक्टिस सेट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, तो जितने इस चैप्टर के आप सभी को तैयार करना, सबसे पहले तो नोट्स तैयार कर लेना है, उसके बाद इस चैप्टर में कितने टाइप्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी कहीं आपको नोट डाउन कर लेना है, उसके बाद इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है उनको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। सबसे पहला बात ये इतना आपको करना है। उसके बाद जितने भी टाइप्स के आप सभी के बोर्ड के पेपर में पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी प्रश्नों को तैयार करना है और तैयार करके जाना है, ठीक। अगला बात आप सभी को मैं बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन बैंक से कितना नंबर फंसेगा, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसका भी जवाब सुन लो कि क्वेश्चन बैंक आप सभी को जरूर पढ़ना है, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स क्वेश्चन बॉक्स में, क्वेश्चन बैंक में इसी तरीके से सेट किए जाते हैं कि बोर्ड के पेपर में फंस जाते हैं। अनसॉल्व्ड भी आप सभी को अनसॉल्व्ड पेपर भी सॉल्व करना है, क्वेश्चन बैंक भी पढ़ना है। उसके बाद आप सभी बच्चों को इम्पोर्टेंट टॉपिक का नोट्स जरूर बनाना है। जितने भी टाइप्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो साइंस का हो जाए, सोशल साइंस का हो जाए, हिंदी का हो जाए, इंग्लिश का हो जाए, सारे के सारे सब्जेक्ट का आप सभी को इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का नोट्स जरूर तैयार कर लेना है, नोट्स जरूर बनाना है। सभी बच्चों को मॉडल पेपर जो भी मैंने बता दिया कि जितने भी टाइप्स के प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सभी को सॉल्व करना है, सभी को तैयार करना है। एक बात और मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कि आप सभी बच्चे, जितने भी अच्छे बच्चे हैं, वो अपना टाइम टेबल सेट करेंगे। ऐसा नहीं मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं आप सभी को 3 घंटा ही पढ़ना है, आप अपने टारगेट के हिसाब से अपना टाइमिंग सेट कर सकते हो, कब से कब तक पढ़ना है ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो। अब हमको क्या पता कि आप किस टाइम बिजी रहते हो, किस टाइम खाली रहते हो, आपका क्या टाइम टेबल है, क्या टाइम टेबल सही नहीं रहेगा। तो आप सभी कम से कम बोर्ड के पेपर में अच्छे अंक स्कोर करना चाहते हो तो 3 से लेकर के 5 घंटे आप सभी को पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो। अगला पॉइंट जो कि सभी बच्चों को मैंने बता दिया कि जितने भी टाइप्स के मॉडल पेपर हैं, मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर हैं, उन सभी पेपर्स को जरूर सॉल्व करना है, तैयार करना है, और इसी मॉडल पेपर में से और इसी प्रीवियस ईयर पेपर में से बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो इतना करने के बाद आप सभी को अब क्या नहीं करना है वो मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। इतना तो मैंने बता दिया कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या क्या करना है बोर्ड के पेपर के लिए, कैसे तैयारी करना है। अब चलो मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कि बोर्ड टॉपर बनने के लिए वो कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है जिससे आप बोर्ड टॉपर बनने से वंचित रह सकती हो, तो इसको भी समझ लो। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कि इन सभी चीज़ों का कम से कम उपयोग करना है। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को इंस्टाग्राम का उपयोग नहीं करना है, करना भी है तो नाक के बराबर करना है, कम से कम करना है, एक कदम कम से कम करना है। उसके बाद फेसबुक का इस्तेमाल कम से कम करना है, फेसबुक का भी इस्तेमाल नहीं करना है जब तक आपका बोर्ड का पेपर ख़त्म ना हो जाए। उसके बाद बहुत से बच्चे व्हाट्सअप का आदि होते हैं, व्हाट्सअप, अरे भैया 2 दिन के लिए गर्लफ्रेंड को छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कल कामयाब हो जाओगे, मजाक कर रहा हूँ, ठीक ना। कल अगर कामयाब हो जाओगे तो आपको सब पूछेगा, बोर्ड का नंबर सब हर जगह काम आता है, ठीक ना। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सअप इनका कम से कम यूटिलाइज करना है, कम से कम इस्तेमाल करना है। और बहुत से बच्चे का भूत चढ़ा हुआ है कि शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं, शॉर्ट्स वीडियो बनाते भी हैं, तो इनका भी आप सभी को कम से कम इस्तेमाल करना है, तभी अपना समय आप बचा सकती हो। अब चलो फाइनल में आप सभी को 9वां जो स्टेप है वो मैं बता दे रहा हूँ कि क्या क्या करना है। इतना पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, इतना तो पढ़ लिया लेकिन भूल गए, तो भूलने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप सभी को समय के साथ रिवाइज करना है, हर एक टॉपिक को, हर एक सब्जेक्ट को रिवीजन करना है। जितने भी टाइप्स के ऑल सब्जेक्ट हैं उसके सभी चैप्टर को थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना है, टाइमिंग के हिसाब से
आप सभी लोग रिवाइज कर सकते हो, सुबह में कर सकते हो, शाम में कर सकते हो। तो सुबह शाम क्या करना है, याद करना है। शाम को आप सभी को क्या करना है, केवल लिखने वाला। जैसे मान लो कि मैथ लगाना है तो शाम को लगाओ, ऐसा नहीं कि सुबह उठते उठते मैथ का प्रॉब्लम सब सॉल्व कर लिया और करना स्टार्ट कर दिया, दो तीन प्रॉब्लम फंस गया, दिमाग खराब हो गया, तो क्या होता है, इस तरीके से पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। तो आप सभी को समय समय के साथ क्या करना है, रिवाइज करना है सभी चैप्टर को, जितने भी टाइप्स के सब्जेक्ट हैं उन सभी के इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप सभी को रिवाइज भी करते रहना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन 9 स्टेप को फॉलो करते हो तो बोर्ड के पेपर में आसानी से 90% या 95% स्कोर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में सारा बेल आइकन प्रेस कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।